चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जय संबंधित ग्राम अनूपपुर में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह के निर्देश के क्रम में एवं केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रकाश के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती पर आधारित पोषण वाटिका हेतु टमाटर की आजाद 306 बैगन की आजाद 2 और 3 और मिर्च की आजाद मिर्च 1 आदि विभिन्न सब्जियों की पोष की प्रजातियों का वितरण 25 महिलाओं को किया गया। उक्त वाटिका में समय समय पर पोषक तत्वों हेतु जीवामृत घन जीवामृत बीजामृत का उपयोग किया जाएगा। कीटनाशक हेतु निमास्त्र का प्रयोग किया जाएगा। मिर्च लगाने की दूरी सही रखें बताया, जिसमें निराई गुड़ाई में आसानी रहती है। हमारी पोषक वाटिका में उत्पादित फसल में पोषक भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, डॉक्टर विनोद प्रकाश ने बताया। डॉक्टर शशिकांत ने महिलाओं को बताया, प्रत्येक पोषक वाटिका में गोबर की खाद ही डालें, यूरिया और डीएपी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जिससे हम अपनी सब्जियों से अधिक पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकें। उस कार्यक्रम में 25 महिलाओं 10 पुरुषों ने भाग लिया। गांव की प्रगतिशील महिला श्रीमती सीमा पाल, रामा देवी, प्रगतिशील किसान महेश पाल, राजकुमारन ने किसानों ने प्रतिभाग किया।